बस 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 बहुत हो गया भाई, एक ब्रेकिंग न्यूज है। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि दिल्ली में एक आदमी अंडे देता है। मेरा कहने का मतलब है 80 रुपए के 12। आज मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करने वाली और ना मैं आपका आज टाइम वेस्ट करने वाली हूँ ऐसी फजूल बातों से, क्योंकि रोज़ मैं ज़बरदस्ती की हंसी आपको हंसा रही होती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि आप खुश रहें, इसलिए टेंशन नहीं देती। कोई ऐसी रिपोर्ट आपको सुबह सुबह नहीं बता रही होती कि आज यहाँ धचका हो गया, आज यहाँ वहाँ बम धमाका हो गया, जी इस तरह की खबरें। एनीवे, जो अभी खबर देने जा रही हूँ वो भी एक मेरे तो धमाका खेज खबर ही समझे, क्योंकि जब उनको कॉल करवाई तो बड़े प्यार से उन्होंने मतलब कुछ नहीं कहा, कोई टेंशन नहीं दी और राज़ी हो गए हमारे शो में आने के लिए। मेरे उनके बेटे के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत प्यार है उनके बेटे के साथ। मेरा काम कभी नहीं किया हम लोगों ने साथ, ना मैंने इनके साथ ना इनके बेटे के साथ, मगर एक फैमिली की जो प्रेजेंस होती है ना वो बहुत काफ़ी होती है, तो अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे। मैं फ़ैन भी बहुत हूँ उनकी, तो आज आपके सामने बुलाना चाहूँगी आपके फेवरेट स्टार को। प्लीज़ वेलकम इरफान खुसर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ऑडियंस को सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे इस सिलसिले में जब भी बुलाया जाता है, मैं अपनी खुशकिस्मती इस बात की समझता हूँ कि उस दिन मैं सुबह ही सुबह उठ जाता हूँ। क्या बात है। तो जो लोग सुबह के वक्त उठते हैं जी, वो मैं समझता हूँ अच्छे लोग होते हैं। अच्छे लोग होते हैं, और आज हमने बहुत अच्छी बातें शेयर करनी सबके साथ, आपकी खास। हाँ, और जो लोग रात को सोने से पहले जी अपना काम खत्म करके सोते हैं, हाँ, वो जिंदगी में कामयाब लोग होते हैं। क्लैप, आप क्लैप थी यहाँ लगा ली। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव अ सीट। हम अपनी बातों को जो है मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, मगर उससे पहले एक और गेस्ट को मैं दावत देना चाहूँगी। हमारे पास काफ़ी, आज मैंने बताया कि सितारे जो हैं वो जगमगाए हुए हैं, तो आज आपने हमारा शो बहुत इन्जॉय करना है। एज़ यूजुअल रोज़ करते हैं, बट आज ज़्यादा करेंगे। बहुत सारा काम किया, भंगड़ा जो है उसके और क्लासिकल म्यूज़िक के, उनको कहा जाता है कि वो ओए होए सरदार है, वाकई वाले सरदार है। और एक एक गाना उनका गाड़ियों में, सिग्नल पे स्पेशली गाड़ी रुक जाए तो उनके गाने बज रहे होते हैं, और हर पार्टीज़ अगर आप बात करते हैं रॉक हो तो इनके गानों से रॉक हो जाती है, हर जगह इनके गाने जो आजकल हिट है। तो प्लीज़ आज आप लोगों की फरमाइश पे जो है बुलाया गया है दोनों भाइयों को, जस्सी और सुनील। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला भी और ये वाला भी। चक्के फटे। ओ चक्के फटे। क्या बात है, क्या सही वाली एंट्री मारी है। मतलब सरदार असी ठीक ठाक होए, असी चढ़दी कला दे विच आए, सिंग इज किंग। आज तो बड़ा चंगा मजा आने वाला है शो ते। नहीं हां जी हां जी, साडी पंजाबी ना बड़ी बड़ी खराब है सी, टेंशन हो रही है सरप्राइज रखूं या बुला लूं, या पहले मैं सोचती हूँ एक ब्रेक और इंतजार करवाऊं आपको उनके लिए, या नहीं करवाती हूँ, है ना, एक ब्रेक और इंतजार करवाऊंगी, इतनी जल्दी जो है ना सारे राज भी खोलने चाहिए। अच्छा जी, आपके बारे में बड़ी चीज़ें मुझे पता है, आपके बारे में बड़ी चीज़ें पता है मुझे। अच्छा, बहुत सारी जो मुझे भी पता नहीं, जो शायद आपको भी पता नहीं कह सकते। मच्छी बड़े शौक से खाते हैं आप, है ना। हाँ। ये मच्छी खाने की बात की थी, वो पता नहीं किधर मछली पकड़ने चले गए मुझे लगता है, है ना, मछली पकड़ने चले गए लोग, तो ये क्या हुआ, कहाँ देखे ना अभी सारे मछलियाँ पकड़ने चले गए। इफेक्ट आ रहा है पानी का, कोई हाल फिजा। मछली जो है जी वो लाहौर में, हाँ, बल्कि मैं समझता हूँ पंजाब तक का मुझे पता है, कराची का भी, क्लिफ्टन का पता है, वहाँ मिलती है, लेकिन पंजाब में जहाँ जहाँ अच्छी मछली बिकती है, हाँ, मुझे सब जगहों का है।
वाह वाह वाह। और मैं पता करके खाने चला जाता हूँ। वैसे मछलियों भाई आज तो मुझे लगता है सारे बंगाली जो है ना वो टीवी देख रहे हैं, क्योंकि मच्छी की बात शुरू हो गई तो अब सारी खुशियां वहीं। मगर ये मछली पर क्लैप किस बात की? मुझे पता नहीं है, तो बंगला पता बोलती पाड़ी पर क्लैप मछली को हुई है या गाने वाले को? नहीं, मछली पे ही हुई होगी क्योंकि मछली पकड़ने गए थे। माफ करें क्यों आज आप मेरी बेइज्जती करवाएंगे मेरे गेस्ट। अच्छा जी, 14 साल से आप काम कर रहे हैं, लाहौर में ही रहते, तो 14 साल से क्या एक्सपीरियंस आपको लाहौर ने कैसा ट्रीट किया जब आप काम करना शुरू किए आपने अपनी लाइफ में? बात यह है कि आर्टिस्ट होता है जो, जैसे ये हमारे लेजेंड बैठे हैं, मैं इनके शुरुआत से बात करना चाह रहा हूँ कि एक कुदरती रब वालों कला जड़ी होंगी ये अंदर बंदे दे होंगी है। तो मैं जो निका जहाँ स्कूल दे विच तीजी चौथी पंजवीं पढ़ता सा ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਤਾ ਸੋਰੀ ਪੜਦਾ ਨਾਤਾ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਆਪਕਾ ਦਿਲ ਸਾਫ ਹੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਤਾ ਥਾ ਮੈਂ ਗਾਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲਕੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮਾਈਏ ਗਿੱਧੇ ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ, ਲਾਇਲਪੁਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ? ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਮਿੰਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਹੋ, ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਓ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਟੈਟੂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ? ਉੱਲੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਕਿਨ ਕਿਨ ਵੀ ਸੀ ਦਾ ਦੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੇਰ। ਅੱਛਾ, ਜੈਸੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਸੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੇ ਲਾ ਜਾਣਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਦੈਨ ਸਿੰਘ ਹਮਾਰਾ ਲੋਗੋ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਝੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਵੋ ਲਾਈਨ ਕਾ ਟੈਟੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜੋ ਟੈਟੂਜ਼ ਹੈ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੈਨ ਇਹ ਜੋ ਲੋਗੋ ਹੈ ਖੰਡਾ, ਜੋ ਮੈਨੇ ਗਲੇ ਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਨਾ ਹੁਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੰਡਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਖੰਡਾ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਲੋਗੋ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਕਾ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਤਾ ਹੈ ਯਾ ਪੰਜਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਸਿੰਘੋ ਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਬਟ ਯਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ ਟਿਪੀਕਲ, ਯਹੀ ਵਾਲਾ ਯਹੀ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਵਾਓ, ਮੈਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਏ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ! ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਦੋ ਮੁਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਬਤਾਨੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਣਾ ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਇਸਕੀ ਲੁੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸਕੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੇ, ਇਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਵਾਹ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਿਖਾਏ। ਯੇ ਸ਼ੇਰ, ਅਰੇ ਆਪ ਅੱਛਾ ਗਏ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ, ਔਰ ਛਾ ਗਏ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਅੱਛੀ। एक तो मैं शेर दिखा रही हूँ, आप किसकी आवाज निकाल रहे, खुदा का खौफ करे सुबह सुबह। अच्छा, ये जैसे इन्होंने कहा ना कि सिंह का मतलब शेर है, जी, इसी तरह हमारे यहाँ भी जो असद होता है, हाँ, वो शेर ही होता है। असद का मतलब भी शेर होता है। हाँ, तो शेर जो है वो शेर है। क्या बात है! और वो कॉमन है ना। इतना सारा थिएटर भी किया और अभी भी करते हैं आप थिएटर? हाँ जी। तो थिएटर में अभी तक जैसे देखा जाए तो हमने फिल्म्स भी बहुत की हैं, तो लाइफ जिंदा है थिएटर की अभी तक माशाल्लाह। मगर फिल्म्स आपने देखा है कि जितने भी स्टूडियो थे हमारे, बड़े बड़े स्टूडियोज, शानूर हो गए, एवेन्यू हो गया, और कितने बड़े हमारे बारी हो गया, खाली नहीं पड़े हुए दरवाज़ों पे। आप देखें एक चौकीदार वो ऐसे उदास मुंह लटकाए हुए चेहरे से ऐसे खड़ा हुआ होता है, क्योंकि उन्होंने अपने ज़माने में वो रौनकें देखी है ना उधर, जो अब उनसे शायद बर्दाश्त नहीं होती है। कि असल में फिज़ा, हमारे यहाँ फिल्म पहले बनाई जाती थी, जी, फिर एक दौर आया जिसमें एक और टर्म इस्तेमाल हुई कि फिल्म मुकानी, जो अब है। हाँ, पहले वो बनाते थे, फिर उन्होंने कहा फिल्म मुकानी है। तो बहुत मेहनत से सब ने मिलजुल कर फिल्म मुका दी। तो अब ये दौर मुकाने का ही रहेगा? नहीं नहीं, अब फिर ऐसा कौन लाएगा चेंज? चेंज अब जो आएगी ना वो नए लोग लाएंगे। तो जैसे सरमद माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनका हर ड्रामा
फिल्म जैसा होता है। हाँ, तो इवन मुझे वो बहुत पसंद है इनका, मसला खूबसूरत इंसान है वो, माशाल्लाह खूबसूरत स्वीट है। हाँ, फिजा हाँ। मसला कुछ ऐसा है कि जो फिल्म बनाना जानते हैं उनके पास पैसे नहीं। अच्छा, और जिनके पास पैसे हैं उनको फिल्म नहीं बनानी है। तो किस तरह चलेगा फिर ऐसे? अब ऐसा ही है कि कुछ थोड़ा सा कुछ मिलजुल के लोग कुछ ऐसा सिलसिला करेंगे कि कुछ दो तीन लोग मिलकर फिल्म बनाएं, और उसके लिए एक जो चीज लैक करती है इस वक्त वो है कहानी। अच्छा, आज ये कहा जाता है कि जी हमारे पास कैमरे नहीं, ये कहा जाता है हमारे पास अच्छी लेबोरेटरी नहीं, ये कहा जाता है कि हमारी एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है। तो उस सिलसिले में वो बात तो तब की जाए कि हमारे पास कहानी हो। हमारे पास तो कहानी नहीं है। सही बात है, कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जो बुरी एक्टिंग को अच्छा कर, बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल। कोई कैमरा ऐसा नहीं है जो मेरा मतलब कहानी डाल दे, बिल्कुल बिल्कुल। कहां से वो हमारे पास जहन, अब हमारा वो जहन नहीं रहा। सही बात है, आज कहानी बाद में लिखी जाती है और शूटिंग पहले शुरू हो जाती है। अभी पिछले दिनों का एक लतीफा है। हाँ, लतीफा नहीं, ये सच्ची बात है जी, कि एक डायरेक्टर के पास प्रोड्यूसर आया, उसने कहा मैंने फिल्म बनानी जी। उसने कहा ठीक है जी बना देंगे, और वो डायरेक्टर बड़ा मतलब एक्टिव डायरेक्टर, वो मतलब शूटिंग की फौरन जल्दी करता जी। तो उसने अपने एक वो राइटर के पास गया, उससे कहा कि कोई कहानी सुनाए, उसने को कहानी को वन लाइन सुनाई जी। तो वो आया और उसने कहा जी कहानी तैयार हो गई। अपने असिस्टेंट को कहने, वो कहने लगा कि इनसे कहो कि सेट लगवा लें जी। उन्होंने कहा कहानी तो अभी लिखी नहीं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, थाना लाओ जी। हाँ। थाने दा विच सेट हैगा, ओए होए ते शूटिंग शुरू करिए। वो असिस्टेंट जो था उसने कान में कहा कि पाजी कहानी विच साडी ते थाना है ही नहीं। हाँ, हाँ। उन्होंने कहा कोई गल नहीं शुरू करो, बाद च कट देंगे। कोई हाल नहीं, कोई हाल नहीं, बड़े मजे की तो बात। जब ऐसी बातें की जाएंगी तो फिर फिल्म कहां से बनेगी, नहीं फिल्म मुक जाएगी। आए, बिल्कुल सही बात। हम अभी आपको मजीद ज्वाइन करेंगे, हमारे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और जो सरप्राइज गेस्ट मैंने छोड़ दिए थे उनको भी अब ब्रेक के बाद मैं दावत दूंगी। तो प्लीज हमें वेलकम कीजिएगा आप ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ आपको वेलकम कर करके। माफ करें, प्लीज टेक अ ब्रेक।